के हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 20 नवंबर की हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो आपको क्या है कि आइडिया आ सके कल कहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि एक सीरीज बना रहे हैं इंडिकेटर पे, अभी हाल फिलहाल सीरीज बना रहे हैं। बाद में उसमें क्या है कि स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे, अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम क्या है कि उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ लर्न करना है, कुछ जानना है, तो आप हमारे साथ सिंपली जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के डेटा के ऊपर। तो देखते हैं निफ्टी में क्या होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से। तो जो हमारे निफ्टी की क्लोजिंग है वो 11,900 से लेकर 11,950 के बीच में कहीं हुई है। तो हम देखते हैं कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा ओआई बिल्ड 12,000 पे भी हाल फिलहाल दिख रहा है। तो जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 12,000 होगा। बाद में मैं पुट साइड देख रहा हूँ तो पुट साइड मेरे को सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप 11,900 पे दिख रहा है। तो मेरा जो सपोर्ट होगा कल के लिए वो मेरा होगा 11,900 पुट साइड से। तो ये हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कौन सी दिशा में जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या एक लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप वगैरह देखते हैं। तो देख लेते हैं कॉल साइड से हमें क्या पता चलता है, पुट साइड से हमें क्या पता चलता है वो सब। तो अब हम देखते हैं कि अगर कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो तब हम ऐसा मान सकते कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो कॉल साइड में देख रहा हूँ तो ये सभी स्ट्राइक प्राइस पे मेरे को क्या एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट कल अपसाइड जा सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ, अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट कल डाउन जाएगा। लेकिन पुट साइड मेरे को कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा जहाँ से मैं बोल सकूँ कि वहाँ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है। बाद में हम फिर से कॉल साइड आ जाते। बाद में अगर कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो तब हम ऐसा बोल सकते कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। लेकिन वो क्या है कि बहुत दूर की प्राइस पे दिख रहा है और भी वो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कल मार्केट डाउन साइड जा सकता है। बाद में हम फिर से पुट साइड आ जाते हैं, अगर पुट साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होती है तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो पुट साइड में देख रहा हूँ तो इधर कहीं आपको शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस है। तो ये सब हमने देख लिया, चार पॉइंट देखे हमने, चार में से दो पॉइंट कुछ नहीं मिले, दो पॉइंट में से मार्केट अप जाने के मिले। तो ऑल ओवर निफ्टी का कल मूव अपसाइड रह सकता है। ये हो गया निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस इन सिंपल। 11,900 मेरा सपोर्ट होगा, 12,000 मेरा रेजिस्टेंस होगा और निफ्टी अपसाइड जाने के चांसेस है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस की ओर। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। तो जो हमारा बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है वो 31,200 से लेके 31,300 के बीच में। तो हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो मेरे को क्या है कि सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप 31,500 पे दिख रहा है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं अगर पुट साइड देखता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप क्या है कि 30,500 पे दिख रहा है, वहीं पे सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ है। तो ये मेरा क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर मेरे को नज़दीक का चाहिए तो मैं नज़दीक में देख रहा हूँ तो 31,000 पे भी एक अच्छी खासी चेंज इन हुआ है और ओआई बिल्डअप दिख रही है मेरे को। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या है कि 31,000 को भी एक सपोर्ट की तरह मान सकता हूँ। तो ये हो गए मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कौन सा मूव दे सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी में कॉल साइड देखूं तो मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। ये सभी प्राइस पे मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस है इस पॉइंट से। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड मेरे को कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख नहीं रही, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस नहीं है इस पॉइंट से। बाद में मैं फिर से कॉल साइड आ जाता हूँ, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं कॉल साइड देखूं तो मेरे को कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं दिख रही, तो मतलब क्या हो कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस इस पॉइंट से नहीं दिख रहे। बाद में हम फिर से पुट साइड आ जाते हैं, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो पुट साइड मेरे को ये सभी स्टॉक प्राइस पे क्या है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अप जाने के चांसेस है।
अगर मैं ये चारों पॉइंट मिला के देखूँ तो मेरे को दो पॉइंट कुछ नहीं बता रहे, बाकी के दो अपसाइड जाने के मूव के चांसेस दे रहे, तो इन सिंपल बैंक निफ्टी में अपसाइड जाने के चांसेस है। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अभी हम करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, जिससे हम सपोर्ट जान सके, रजिस्टेंस जान सके, सो आपको आसानी हो कल के लिए ट्रेड करने में। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब। तो मार्केट जब ओपन हुआ तब क्या है कि बुलिश में ओपन, मतलब गैप अप ओपन हुआ, बाद में वो नीचे जाने लगा। तो अब एक आइडिया था, कल ही था कि एक आइडिया था कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो वही हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे जाने लगा। बाद में क्या है कि ये जो मेरी सपोर्ट लाइन के आसपास से ये ऊपर जाने का मुंह दिया है। देखो ये लाइन है ना, ये थोड़ी मैंने अपर ली है, ये लाइन क्या थी, ये थोड़ी नीचे थी, यहाँ तक थी ये लाइन, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी। तो इधर से इसमें मेरे को अपसाइड जाने के मुंह के चांसेस दिए, तो इधर से हमारी कहीं एंट्री हुई थी। तो इधर से हमारी एंट्री होती, अगर आपने देखा होता तो मैंने कल बोला था कि अगर मार्केट नीचे जाके ये सपोर्ट लाइन के पास से मेरे को देता है कुछ अपसाइड जाने के मुंह, तो मैं उसमें बाइंग करूंगा। तो बाद में ये अपर गया, अपर कहाँ तक गया वो भी देखो, वो भी हमारी क्या है कि रेजिस्टेंस लाइन के आसपास गया। ये इधर एक मेरा जोन था, अभी ये मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये इधर जोन था। तो ये देखो ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास से फिर से ये नीचे मूव आ गया। इन सिंपल निफ्टी में हमें आज दोनों तरह के मूव देखने को मिले। अगर आप बाइंग भी करते तब भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप सेलिंग भी करते तब भी आपको प्रॉफिट होता। तो ये था आज का, अभी देख लेते कल का क्या है। तो पहले मैं इस लाइन को इधर रख दूं, बाद में हम बात करते हैं। देखो अगर कल मार्केट ओपन बुलिश में होता है और पॉजिटिव क्या है सिनेरियो दिखाता है मार्केट, तो हम उसमें बाइंग की साइड आएंगे। देखो क्यों, क्योंकि देखो हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लिया, वहाँ पे भी हमें बाइंग साइड लग रही है। तो अगर ये मार्केट अच्छा खासा ओपन होता है और थोड़ा रिट्रेसमेंट दे के अपसाइड जाने के चांसेस देता है, देखो मान लेते कि इधर कहीं से ओपन होता थोड़ा नीचे इस लाइन के आसपास या इस जोन के आसपास, जो मेरा जोन था उसके आसपास से अगर ये क्या है कि ऊपर की साइड जाने के चांसेस देता है, तो हम इसमें बाइंग करेंगे। बाइंग कहाँ तक करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा, जो हमारा क्या है कि जोन ही है कि 11,090 से लेकर 12,000 तक हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अगर ये फिर से क्या है कि इधर कंसोलिडेट करके फिर से अपर जाने के चांसेस देता है, तब हम फिर से इसमें बाइंग आएंगे, अगर हमने मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया तब। और अगर ये क्या है कि ये हमारे रेजिस्टेंस जोन से क्या है कि रिवर्सल साइन दे दिया, तब हम इसमें सेलिंग में आएंगे। ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसके आसपास से इधर कोई रिवर्सल साइन दे दिया, तब हम इसमें सेलिंग में आएंगे। सेलिंग में आएंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा वो वही होगा 11,950 के आसपास। चलो मान लेते कि कल मार्केट ओपन हुआ बुलिश लेकिन बाद में चला गया बियरिश साइड, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन के आसपास वेट करेंगे। अगर ये इधर कोई बाइंग सिग्नल दे देता है तब हम फिर से बाइंग में आएंगे, अगर ये इधर बाइंग सिग्नल नहीं देता तब हम हमारा कोई ट्रेड ही नहीं होगा। इन सिंपल, अगर ये मेरे को मेरी सपोर्ट लाइन पे मिल जाए तब मैं बाइंग करूंगा, रेजिस्टेंस लाइन पे मिल जाए तब मैं सेलिंग करूंगा। तो ये था मेरा निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, उसके क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है वो सब। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट होंगे क्या रेजिस्टेंस होंगे। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो इसमें देखते हैं आज क्या हुआ। तो सेम है, पहले मार्केट ओपन हुआ बुलिश, बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, बाद में ये हमारी क्या है कि सपोर्ट लाइन के आसपास से एक सिग्नल दिया जहां से हमारी बाइंग होती, तो बाद में ये जाके ऊपर गया। लेकिन जो हमारी मेन बाइंग होती हुई थी वो क्या थी, ये जोन के आसपास। मैंने क्या बोला था, अगर ये जोन में रिवर्सल साइन दे दे तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा, लेकिन इसने जोन में कंसोलिडेट किया और बाद में जाके एक अपसाइड मूवमेंट मिला। तो देखो इधर क्या एक पैटर्न टाइप बना रहा है, कंसोलिडेट पैटर्न है, बाद में ये जाके ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, तो उसमें भी हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। बाद में ये जोन के बाद निकल गया, बाद में फिर से नीचे आया, तो हमारा जो जोन का नीचे का लेवल है वहां से ये टच करके फिर से अपसाइड चला गया। तो ये होती है एनालिसिस की पावर का, आपको पता होना चाहिए यहाँ से ये हो सकता है, अगर वहाँ कुछ होता है तब आप बाय या सेल कर सकते हो। तो अब देख लेते कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए मेरा व्यू है बैंक निफ्टी में बुलिश साइड, मान लेते हैं मार्केट कल ओपन हो ग्रीन में, थोड़ा रिट्रेसमेंट देके ये मेरे को फिर से जोन के आसपास से अगर अपसाइड जाने के चांसेस दे देता है तो मैं इसमें बाइंग साइड आऊंगा। अगर ये क्या है कि सीधा ही अपसाइड निकल जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर ये रिट्रेस करके ये क्या है कि ये लाइन या जोन के आसपास से मेरे को अपसाइड आता है तब मैं बाइंग में आऊंगा। बाद में हमारा रेजिस्टेंस लेवल इसमें कौन सा होगा, तो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो 31,500 होगा। ये क्या है कि एक लेवल है जहां मैंने क्या है कि अपने हिसाब से ड्रॉ करके रखा है, ऐसा कोई मैंने ऐसे ही नहीं गया 31,500 रख दिया,
तो क्या है कि ये मैंने निकाले, उसके लिए आपको भी लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर क्या है कि अपने हाई पे है तो कैसे आगे के लेवल निकाले वो सब। अगर ये बैंक निफ्टिकल इस लेवल के आसपास से मेरे को रिवर्सल साइन दे के नीचे आने का सिग्नल देता है तब मैं इसमें शॉर्ट में आऊंगा। मैं बैंक निफ्टी में बाइंग में कब आऊंगा, सेलिंग में कब आऊंगा? अगर ये बैंक निफ्टिकल ओपन होकर थोड़ा रिट्रेस करके ये जोन या ये राइजिंग सपोर्ट लाइन के आसपास से मेरे को बाइंग का कोई ट्रेड देता है, कोई सिग्नल देता है, तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। अगर ये जाके सीधा ऊपर जाके ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास से कहीं मेरे को नीचे के सिग्नल देता है तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। ये मेरे आज के हिसाब से कल के लिए देखो, लाइव मार्केट में अगर मेरे को कोई पैटर्न मिलता है, कुछ चीजें मिलती है, तो मैं लाइव मार्केट में बिना लेवल के ट्रेड ले लेते हैं। अगर पैटर्न मिलता है तब की बात है। तो ये हो गए मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट के बारे में बात कर ले तो 31,100 मेरा पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद 31,000 मेरा दूसरा सपोर्ट होगा। बाद में मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरा एक ही रेजिस्टेंस है, वो है 31,500। तो ये मेरा व्यू था कल बैंक निफ्टी के लिए। आई होप ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहना चाहते हैं, हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस कौन कौन से, कौन कौन से सपोर्ट है, कौन कौन से रेजिस्टेंस है, तो आपको एक कल के लिए एक सेटअप मिल रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और क्या है कि हम पूरी इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में हम उसमें स्ट्रेटेजी भी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। सो प्लीज़ यारो अगर आपको लर्निंग करनी है, आपको कुछ सीखना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके लिए सिंपल तरीका है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें ढेर सारा मोटिवेशन यानी कि लाइक एंड कॉमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।